बेस्ट एएनसी नेकबैंड्स अंडर 2000 रुपीज। तो आज की इस वीडियो में लेटेस्ट बोट रॉकर्स 255 एएनसी और रियलमी वायरलेस 3 नेकबैंड का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। रियलमी वायरलेस 3 अभी तक के सबसे बेस्ट फीचर्स और ऑडियो क्वालिटी वाले नेकबैंड्स है जो आपको सिर्फ 1800 रुपए के मिलते हैं, लेकिन अभी लगभग सेम स्पेसिफिकेशन के साथ बोट ने 1900 रुपए की प्राइस में बोट रॉकर्स 255 एएनसी को भी लॉन्च किया है। सेम ही फीचर्स होने की वजह से दोनों को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन है। वैसे दोनों के मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, वो वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हो। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से किसको बाय करना चाहिए और किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर है, तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। वैसे दोनों को ऑलरेडी रिव्यू किया है जहां पर मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इनके बारे में और जानने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हो। फिर भी यहां पर दोनों में मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाले ईयर टिप्स मिलेंगे। ईयर टिप्स का डिजाइन दोनों में लगभग सेम है। वायर की क्वालिटी और नेकबैंड्स भी मुझे दोनों के सही लगे, लेकिन बोट के नेकबैंड्स थोड़े से सॉफ्ट है। इसके अलावा कमांड मॉड्यूल और बैटरी मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक की बिल्ड देखने को मिलेगी। वैसे लुकिंग वाइज रियलमी का डिजाइन मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश और प्रीमियम लगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही बेस्ट है। यहाँ पर मेन डिफरेंस है इन दोनों की आईपी रेटिंग में। बोट में आपको IPX4 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी, वही रियलमी में IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, तो यहाँ पर क्लियरली रियलमी विनर है। सो लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एक्स्ट्रा इज रियलमी को है। तो बिल्ड क्वालिटी के लिए बोट को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star और इसके कंपैरिजन में रियलमी को दूंगा 4.6 out of 5 star बिकॉज ऑफ आईपी रेटिंग। अब एक बार जल्दी से दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो रियलमी वायरलेस 3 आते 13.6 mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, डुअल डिवाइस पेयरिंग, गूगल फास्ट पेयर, रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फॉर कॉलिंग, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 30 dB नॉइस रिडक्शन, डेडिकेटेड गेमिंग मोड 45 ms लो लेटेंसी, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, इनलाइन बटन कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 25 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा बोट रॉकर्स 255 ANC आते 13 mm के साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 3 इनलाइन माइक्रोफोन्स, ENX टेक्नोलॉजी फॉर कॉलिंग, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 32 dB नॉइस रिडक्शन, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, वॉइस रेजिस्टेंट, डेडिकेटेड गेमिंग मोड 60 ms लो लेटेंसी, इनलाइन बटन कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स से 24 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 100 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। तो देखो यहाँ पर फीचर्स आपको दोनों में लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। सिर्फ आईपी रेटिंग और लो लेटेंसी के मामले में रियलमी थोड़े से बेटर है, लेकिन अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी लाइफ आपको बोट में ज्यादा बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू रियलमी वायरलेस 3। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो फीचर्स वाइज दोनों ही बेस्ट है। तो दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मैं दूंगा 5 out of 5 star। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। तो सबसे पहले दोनों की माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो रियलमी वायरलेस 3 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है रियलमी वायरलेस 3 के माइक्रोफोन की। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो बोट रॉकर्स 255 ANC के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है बोट रॉकर्स 255 ANC का। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो दोनों में आपको 3-3 माइक्रोफोन्स मिलते हैं, दोनों की माइक क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। इंडोर्स और आउटडोर्स में दोनों ही जगह पर आपको लगभग सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो कॉलिंग के लिए आप इन दोनों में से किसी को भी परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो यहाँ पर रियलमी 30 dB और बोट में 32 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, लेकिन 30 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होने के बावजूद रियलमी वायरलेस 3 आउटडोर्स में मुझे थोड़े से बेटर लगे। इंडोर्स में दोनों ही परफेक्टली वर्क करते हैं, वहां पर आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आउटडोर्स में स्लाइटली एज रियलमी को मिलता है। फिर भी ओवरऑल दोनों की माइक क्वालिटी और ANC को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो रियलमी में आपको रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है, इसके अलावा बोट में आपको बोट हेयरेबल एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। दोनों की एप्लीकेशन को मैंने इनकी रिव्यू वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप इनकी रिव्यू वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन रियलमी में मिलते हैं, जिसमें आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स और कस्टम इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे जो बोट के एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलते। इस वजह से एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए बोट को मैं दूंगा 4 out of 5 star और रियलमी को दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं इनके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो रियलमी में 45 ms और बोट में 60 ms की लेटेंसी को क्लेम किया है, तो देखते हैं एक्चुअल में दोनों की लेटेंसी में कितना डिफरेंस है। Thank you.
सो नो डाउट गेमिंग लेटेंसी के मामले में रियलमी वायरलेस 3 क्लियरली विनर है। बोट के कंपैरिजन में लेटेंसी इसमें आपको कम मिलेगी, जो एक्चुअल में गेम खेलते वक्त फील भी होती है। बोट की लेटेंसी भी ठीक ठाक है, कैजुअल गेमिंग के लिए चल जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत मॉडरेट गेमिंग करते हो तो मैं आपको रियलमी वायरलेस 3 को ही सजेस्ट करूंगा। सो ओवरऑल लेटेंसी और गेमिंग के लिए बोट को मैं दूंगा 4 out of 5 star और रियलमी को दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं इनकी मेन साउंड क्वालिटी की, तो इस साइकोलॉजी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इनके वोकल्स और बेस को टेस्ट करेंगे और लास्ट में एक बीजीएम को भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। तो ये थी इनके एक्चुअल साउंड टेस्ट। आपको इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ऑडियो को टेस्ट करते समय बोट को मैंने सिग्नेचर मोड में रखा था, वही रियलमी को मैंने डिफॉल्ट मोड में रखा था। देखो ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते, ऑडियो क्वालिटी के मामले में डिफॉल्ट मोड में भी स्टिल रियलमी वायरलेस 3 बोट के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। वोकल्स की क्लैरिटी, ट्रेबल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और बेस आपको सब कुछ बैलेंस मिलेगा, साथ ही साउंड की रिचनेस भी काफी बेस्ट है। इसके अलावा बोट के वोकल्स उतने क्लियर नहीं है जितने कि रियलमी के हैं। नो डाउट बेस की क्वालिटी बोट में अच्छी है, अच्छा खासा बेस आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन रियलमी में आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स और कस्टम इक्वलाइजर के ऑप्शंस मिलते हैं, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इस वजह से ऑडियो क्वालिटी के लिए बोट को मैं दूंगा 4 out of 5 star और रियलमी को दूंगा 4.5 out of 5 star। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो रियलमी की प्राइस 1800 रुपये है और बोट की प्राइस 1900 रुपये है। सिर्फ दोनों में 100 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो बोट रॉकर्स 255 ANC आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। डेली अगर 6-7 घंटे भी इसे यूज करते हो तो लगभग 8 से 10 दिन की बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फीचर्स के साथ बिल्ड क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी से जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो अभी भी रियलमी वायरलेस 3 अंडर 2000 रुपीज में सबसे वैल्यू फॉर मनी नेक बैंड्स है, और पर्सनली मैं भी आपको इसे ही रिकमेंड करूंगा। वैसे दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनको डायरेक्टली चेकआउट कर पाओगे। रियलमी वायरलेस 3 और बोट रॉकर्स 255 ANC। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। So that's it for today, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।